नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में सपा एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली के प्रथम जनपद आगमन पर शनिवार को उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद वो काफिले के साथ सपा कार्यालय की ओर रवाना हुए। इस काफिले में शामिल युवाओं के स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस मामले में एमएलसी समेत 3 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली को सपा ने विधान परिषद सदस्य का उम्मीदवार बनाया था। उनके निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद शनिवार को जनपद में प्रथम आगमन पर सपा कार्यालय पे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से उनके उतरने पर समर्थक गाड़ियों से नारेबाजी करते हुए उनके साथ चल रहे थे। इसी दौरान युवा कार्यकर्ता कारों के शीशे खोलकर फाटक पर बैठकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पर पुलिस भी हरकत में आई और एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने मामले की जांच कर नगर कोतवाली प्रभारी से रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले में नगर कोतवाली प्रभारी द्वारा एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली अब्दुल्ला और एक अन्य के अलावा 25 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर कोतवाली प्रभारी शशि मौली पांडे ने बताया कि जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि इन लोगों ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया है। इस मामले में 3 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक गाड़ियों का काफिला जा रहा है व इसमें कुछ व्यक्ति खिड़की से गाड़ी के बाहर हैं और हाथ हिला रहे हैं। इसकी जांच इंस्पेक्टर कोतवाली को सौंपी जाएगी और नियमानुसार इसमें दंडात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।